ये देखो दोस्तों, ये है हरिद्वार स्टेशन। यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं हरिद्वार स्टेशन में देख सकते हो आप। अभी से इतनी भीड़ हो गई, देखो इधर कितनी भीड़ है यहाँ पर स्टेशन में हरिद्वार के। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर यात्री लोग आ रहे हैं इसे जन्म लेने के लिए अपनी बॉडी में हरिद्वार में। और बाकी हम लोग भी यहाँ पर आए थे ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल घूमने के लिए, और घूमने के साथ साथ यहाँ दवाई लेने के लिए भी आए थे। तो अब फिलहाल हम यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो करीब 12:49 में आएगी यहाँ पर, और फिर हम हरिद्वार से अपना लालकुआं स्टेशन उतरेंगे, फिर पहुँचेंगे घर। और मैं आपको मिलवाता हूँ अपने चाचा जी से जो मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर हरिद्वार स्टेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पर पार्किंग भी है, और यहाँ पर ये जाने का रास्ता आगे को। और ये मेरे चाचा जी हैं, इनकी दवाई दिलवा कर लेकर आया था मैं एम्स हॉस्पिटल से, और बाकी जो सारे टेस्ट थे वो तो हो गए। अब सीटी स्कैन का आज करा कर लेकर आया हूँ, अब वो रिपोर्ट के लिए मतलब 4 या 5 दिन के बाद मतलब बोल दिया है। तो फिलहाल हम अब घर जा रहे हैं, तो मैं चाचा जी से पूछता हूँ कि यहाँ पर कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है चाचा जी? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी वो है, अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश जैसा। हाँ, और क्या कहते हैं, यहाँ हरिद्वार है, हर की नगरी। हाँ, हरी की नगरी, जो कि क्या नाम, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा मन करता है कि यहीं पे जो है कुछ दिन आराम से रहे, बहुत अच्छा लगता, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जगह है। देखो दोस्तों, मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि यहाँ पर हरिद्वार है, हरी की नगरी, और हर कोई जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ पर 10-12 दिन बिता के जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, और श्रद्धा पूर्वक मतलब यहाँ पर प्रसाद चढ़ा कर जाते हैं लोग मनसा माता चंडी माता में। तो और हल्की पौड़ी में जल लेकर जाते हैं, कांवल लेकर जाते हैं वहाँ से। तो अब सावन का महीना है, अब कुछ दिनों में यहाँ पर लोग कांवल लेने के लिए आएंगे। से पहले ही मतलब कितने लोग दूर दूर से यहाँ पर मुसाफिर आए हुए हैं देखो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, हर हर महादेव। और आप मेरे चैनल नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।